हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ राजविंदर कौर एंड आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. टू ऑलवेज वियर अ मास्क, फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेज. टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, dear 8th class students, we have completed our chapter number 1st. Now, we will move to our chapter number 2nd for revision purpose, that is, working in Microsoft Excel. In this chapter, we already learned how we can tables, worksheet, sheets, formulas, and errors. So now we are going to read our exercise and let's review. Fill up. First on page number 20. So number first is a dash is a collection of worksheet. Worksheet की collection को क्या बोला जाता है? Workbook. Obviously हम sheets की collection को book बोलते हैं. हमारी book में भी sheets होती हैं. तो इन शीट्स की कलेक्शन को क्या बोला जाता है? बुक. तो वैसे ही वर्कशीट्स की कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं. अ वर्कशीट कंटेन्स सेल्स ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड डैश, दैट इज कॉलम्स. वर्कशीट किस तरह ऑर्गेनाइज होती है? रोज और कॉलम की तरह. यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारे कॉलम है जो ऊपर से नीचे जाते हैं और जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती हैं वो होती हैं रोज. इनको मिला के ही हमारी एक वर्कशीट बनती है. नंबर थर्ड इज अ सेल विद अ डार्क बॉर्डर अराउंड इट इंडिकेट्स दैट इट इज एन एक्टिव सेल. जो सेल होता है जिसके आसपास डार्क बॉर्डर होता है, जो ये शो करता है कि वो सिलेक्टेड है, उसको कौन सा सेल बोला जाता है? एक्टिव सेल. डैश मीन्स टू रिप्लेस द ओल्ड नेम विद अ न्यू वन. जब हम किसी चीज का नेम चेंज करते हैं, कोई भी फाइल है हमारी, हम उसका डॉक्यूमेंट का नेम चेंज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रीनेमिंग, और रीनेम करना. फिफ्थ वन इज अ न्यू डैश गेट्स इंसर्टेड बिफोर द सिलेक्टेड शीट नेम. क्या जो है वो सिलेक्टेड शीट नेम के आगे इंसर्ट होती है. इंसर्ट अ वर्कशीट में हमने देखा था कि जब हम राइट क्लिक करते हैं उसमें तो इंसर्ट करते हैं वर्कशीट को, तो एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है सिलेक्टेड शीट के आगे. ठीक है, तो क्या इंसर्ट होता है वहां पे? वर्कशीट. देन नेक्स्ट इज यू कैन रीनेम अ वर्कशीट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट इन द डैश शीट, सॉरी इन द डैश टैब, दैट इज शीट. हम उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं? सिंपली बाय डबल क्लिकिंग. हम उनको डबल क्लिक करेंगे तो वहां पे रीनेम की ऑप्शन खुद ब खुद ही आ जाएगी. देन नंबर 7, यू कैन डैश अ न्यू वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट वर्कशीट टैब. अब क्या कर सकते हैं नई वर्कशीट को इंसर्ट पे क्लिक करके? हम ऑब्वियसली उसे इंसर्ट ही करेंगे. सो यू कैन इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट वर्कशीट टैब. So this was on page number 20. Now move to page number 25. We have let's reviews fill up over here also. So first fill up is a selected rectangular block of two or more cells is called a dash. जब हम एक range को select करते हैं, ठीक है, जैसे हमने select किया, suppose यहाँ से A1 से लेके मैंने D3 तक टोटली सिलेक्ट कर लिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? सेल रेंज. तो जब हम सिलेक्ट करते हैं ब्लॉक को, टू और मोर सेल्स को, तो उसको सेल रेंज बोला जाता है. अ फॉर्मूला बिगन्स विद एन डैश साइन. तो ये कौन फॉर्मूला हमेशा किस साइन से स्टार्ट होता है? इक्वल्स टू. ठीक है, हमेशा ही जब भी हमने फॉर्मूला राइट करना है हम उसके आगे क्या लिखेंगे? इक्वल टू. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 3 इज इन एंड डैश सेल रेफरेंस. द रेफरेंस ऑफ अ सेल डज नॉट चेंज. कि कौन सी सेल रेफरेंस में जब जो उसको कॉपी करते हैं तो वो चेंज नहीं होता. एब्सल्यूट में जो रिलेटिव होते हैं वो हमने रीड किया था वो चेंज हो जाते हैं एज वी कॉपी दैम, बट एब्सल्यूट कभी चेंज नहीं होते. ये डॉलर साइन वाले हैं. ठीक है, डॉलर साइन वाली सेल रेफरेंसिंग है ये. नंबर 4 इज अ डैश सेल रेफरेंस यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉलम एंड रो रेफरेंसेज. कौन सा है जो कॉम्बिनेशन है? जैसे कॉम्बिनेशन आ गया इट इज मिक्स्ड, सो
कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इज नंबर थर्ड सेल रेफरेंस, दैट इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस. नंबर फाइव इज द लेंथ ऑफ अ फॉर्मूला कैन नॉट बी मोर देन 8192 करेक्टर्स. हम इससे ज्यादा करेक्टर एक फॉर्मूला में एंटर नहीं कर सकते. कितने होते हैं ये 8192. ओके, सो दीज वर द फिलअप्स फ्रॉम पेज नंबर 25. नाउ मूव टू द एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर, दैट इज फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. सो नंबर फर्स्ट इज व्हाट कंटेन्स सेल ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. किस चीज में सेल्स कंटेन किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. वर्कशीट में, हमारी जो वर्कशीट होती है, सपोज दिस वन इज अवर वर्कशीट और इसमें सेल हैं. सेल रो एंड कॉलम का क्या है, इंटरसेक्शन होता है, तो ये किस में कंटेन होते हैं, हमारी वर्कशीट में. सो आंसर इज वर्कशीट. नंबर सेकेंड इज विच ग्रुप ऑफ होम टैब इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फार्मूला इन द एक्सेल. हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और वी से भी करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हमने किया, लेकिन उन्होंने पूछा है कि होम टैब का कौन सा ग्रुप है, तो वो कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन दी जाती है. नंबर थर्ड इज विच फार्मूला विद अ सेल रेफरेंस चेंजेस एज यू कॉपी इट फ्रॉम वन सेल टू अनदर. कौन सा होता है जो जब हम उसको कॉपी करते हैं सेल रेफरेंस को, तो वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंगली, तो रिलेटिव होती है वो चेंज हो जाती है, तो हमने रीड किया है प्रॉपरली. नंबर फोर द रेंज फ्रॉम सेल्स A1 to D7 इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर सी A1:D7. ठीक है, जो रेंज होती है जब हम सिलेक्ट करते हैं, रेंज का मतलब जो हमने सिलेक्शन की हुई है, सपोज हमने यहां से यहां तक सिलेक्शन की है, सो दिस इज फ्रॉम A1 एंड डायगनली ऑपोजिट C4. तो उन्होंने यहाँ पे पूछा था कि A1 से D7 तक कौन सी होगी, तो A1:D7 उसको रिप्रेजेंट करेगा. ओके, नंबर फाइव एन एरर डिस्प्ले बाय एक्सेल बिगन्स विद विच साइन. एरर जो हमें शो करते हैं वो किस साइन से स्टार्ट होते हैं, हमेशा वो हैश से स्टार्ट होते हैं. सिमिलरली पेज 26 पे हमें बताया हुआ है, ठीक है, जो सारे एरर्स होते हैं वो हैश से बिगन होते हैं. यहाँ पे जो भी एरर दिए हैं उनके आगे हैश का साइन है. ओके, नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 28 फिलअप्स वी हैव. फर्स्ट वन इज अ वर्कशीट बिगन विद रो नंबर 1 एंड कॉलम ए. जो वर्कशीट है वो लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है, तो उसमें फर्स्ट जो है वो रो नंबर होती है. रो वाली साइड हमेशा 1-2 लिखा होता है और कॉलम वाली साइड A2Z एंड सो ऑन. ओके, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, इसमें नंबर्स होते हैं रोज में, तो रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर ए. नंबर 2 इन द शीट टैब सेक्शन यू कैन रीनेम अ डैश. शीट टैब में से हम क्या रीनेम कर सकते हैं, वर्कशीट को हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि हमने उसमें कौन सा रिकॉर्ड रखा हुआ है. ठीक है, अगर उसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड है तो हम अटेंडेंस उसका नेम दे सकते हैं. उसमें अगर मार्कशीट है, मार्क्स का रिकॉर्ड है, तो उसमें हम मार्कशीट उसको नेम दे सकते हैं. नंबर थर्ड अ रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द डैश एड्रेसेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड इट्स डैश ऑपोजिट सेल. रेंज के बारे में हमने रीड किया था कि किससे रिप्रेजेंट होती है, सेल एड्रेसेस से. कौन से सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल का और उसके डायगनली ऑपोजिट सेल का, हमने ये रेंज में रीड किया है. हम फर्स्ट सेल लेते हैं और उसके डायगनली ऑपोजिट जो सेल होता है उसको लेते हैं, तो ये सेल एड्रेसेस हैं A1 और C4, तो यही हम सेल रेंज में यूज करते हैं. ठीक है, हम एड्रेसेस यूज करते हैं ऑफ फर्स्ट एंड इट्स डायगनली ऑपोजिट सेल. नंबर फोर इज फॉर्मूलाज कंटेन डैश 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 एंड डैश. फॉर्मूलाज क्या क्या कंटेन करते हैं, उनमें नंबर्स होते हैं, सेल एड्रेसेस होते हैं, सेल रेंजेस होती हैं एंड ऑपरेटर्स होते हैं. ओके, सो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. कोई भी नंबर है हमें वैल्यू ऐड करनी है. सेल एड्रेसेस जैसे A1, B1, D7 एक्सेट्रा. सेल रेंजेस जो अगर हमने फॉर्मूला में रेंज ऐड करनी है. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल साइन होते हैं जैसे प्लस माइनस एक्सेट्रा. ठीक है, उनको ऑपरेटर्स बोला जाता है. देन नंबर फिफ्थ एंड डैश सेल रेफरेंस इज अ सेल रेफरेंस दैट ऑलवेज रेफर टू अ पर्टिकुलर सेल.
हम ये तो हमें पता नहीं कि कौन सी सेल रेफरेंस है जो हमेशा एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेल को ही रेफर करती है, दैट इज एब्सोल्यूट, मीन्स वो कभी चेंज नहीं होती है. ओके, सो नंबर सी वी हैव मैच द कॉलम्स. ओके, सो फर्स्टली वी हैव व्हाट इज दिस, दीज आर द शीट ओवर हियर, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री. सो दिस इज वर्कशीट टैब. ओके, विच वी हैव शीट्स, वी कैन इंसर्ट न्यू शीट्स, रीनेम देम और डिलीट देम. ओके, सो दिस इज वर्कशीट टैब. सो दिस इज अ साइन ऑफ अ सीजर, इट मीन्स टू कट, कट द वैल्यू और एनी थिंग. ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ कॉपी, दिस इज द साइन ऑफ डिलीट, इट इज अ क्रॉस मार्क ऑन इट, एज यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, इट हैज अ. सो हेयर इज अ नंबर फोर, हेयर इज अ रेड कलर क्रॉस ओवर हेयर, सो इट मीन्स डिलीट साइन, सो दिस इज अ साइन ऑफ डिलीट. एंड अ साइन विद द बोर्ड एंड अ पेपर इज पेस्ट, इट इज साइन ऑफ पेस्ट. सो दिस इज वर्कशीट टैब, दिस इज फॉर कट, दिस इज फॉर कॉपी, दिस इज फॉर डिलीट एंड दिस इज फॉर पेस्ट. ओके, सो विद दिस योर बुक एक्सरसाइज कंप्लीट्स. इन आवर नेक्स्ट एवी वी विल रीड एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय.